जम्मू में एनएसजी की स्पेशल टास्क फोर्स तैनात कर दी गई है। जम्मू स्थायी तौर पर टास्क फोर्स तैनात रहेगा। एमएचए के निर्देश पर स्पेशल टास्क फोर्स तैनात की गई है। आतंकी गतिविधियों को लेकर फैसला लिया। लगातार आतंकी घटनाओं के बाद तैनात की गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, आतंकी तौर पर टास्क रहेगा। इसी के साथ एमएचए के निर्देश पर स्पेशल टास्क फोर्स तैनात कर दी गई है। बता दें आपको, आतंकी गतिविधियों को लेकर फैसला लिया गया है, यानी कि अब आतंकी गतिविधियों पर जो नजर है वो बढ़ा दी गई है। लगातार आतंकी घटनाओं के बाद तैनाती की गई है। पिछले कुछ महीनों की हम बात करें तो लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर जांच की जा रही है, और इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहाँ पर जम्मू में एनएसजी की स्पेशल टास्क फोर्स तैनात की गई है। जम्मू स्थायी तौर पर टास्क फोर्स तैनात रहेगा। एमएचए के निर्देश पर स्पेशल टास्क फोर्स तैनात किया गया है। आतंकी गतिविधियों को लेकर फैसला लिया गया है, यानी कि अब आतंकी गतिविधियों पर बहुत ज्यादा नजर रखी जाएगी। लगातार आतंकी घटनाओं के बाद ये बड़ा फैसला और ये तैनाती की गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ गई थी, इसी वजह से एनएसजी की स्पेशल टास्क फोर्स तैनात की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निसार अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, जम्मू में एनएसजी की स्पेशल टास्क फोर्स तैनात कर दी गई है, क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी माधुरी, देखिए जिस तरह से जो पिछले कई महीनों से जो जम्मू क्षेत्र है वहां पे जिस तरह से जो टेररिस्ट अटैक्स थे उनमें काफी हद तक जो अगरचे इजाफा भी हुआ है, लेकिन जिस तरह से वहां के सिक्योरिटी सूरत हाल को पूरी तरह से काबू में रखने के लिए अब मरकजी सरकार यानी कि गृह मंत्री की तरफ से ये आदेश जारी हुए है कि वहां पे जिस तरह से जो पूरा वहां पे सिस्टम अब एनएसजी के जो कमांडोज है उनको सौंपा जाएगा, उनको वो वहां पे जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, ताकि जिस तरह से जो वहां पे जो बॉर्डर एरिया है वहां पे अक्सर बेशतर जिन जगहों पे घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, और फिर यहां पे जम्मू कश्मीर, जम्मू खिते में, खासकर जम्मू खिते के साथ साथ कश्मीर खिते में भी जिस तरह से जो टेररिस्ट अटैक बढ़ जाते हैं, तो उस पर काबू पाने के लिए अगरचे बड़ा ये एक बहुत बड़ा इकदाम लिया गया है, बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। और अगरचे इससे पहले यहां पे जो सिक्योरिटी एजेंसी जिसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी मुश्तरक तौर पर जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन यहां पे अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब इसमें मजीद एक इजाफा कर दिया गया है। इसमें अब एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को यहां पे तैनात, इसको इनको ये जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जो भविष्य होगा, जो फ्यूचर होगा इन बॉर्डर एरियाज का, वहां पे कोई ऐसा बड़ा टेररिस्ट अटैक पेश ना आए जिससे यहां के सिक्योरिटी एजेंसी या आम शहरियों को नुकसान उठाना पड़े। लेकिन अगरचे अभी तक जो मरकजी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अगरचे अभी तक इस बारे में कोई अपना स्टेटमेंट पेश नहीं किया है, ना ही अभी तक उसमें इसके हवाले से कोई मीटिंग बुला। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले कहीं एक हफ्ते पहले तकरीबन यहां पे एक जो मीटिंग, हाई ऑफिशियल मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने ये इशारा दिया था कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से जिस तरह से जो आतंकी, जो यहाँ पे जो आतंकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहाँ पे अपनी कार्रवाई उसमें बड़ी तेजी लाई है, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मरकजी सरकार बहुत बड़ा फैसला लेगी, जिसको आज हतमी शक्ल मिली है, जो आज जमीनी सतह पर जो ये सामने आया है कि ये फैसला यहाँ पे लिया गया है। अब पूरी तरह से जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ जो ऑपरेशन यहाँ पे किया जाएगा, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और एनएसजी मुश्तरक तौर पर उन एनकाउंटर्स को। कुछ महीनों में जैसा कि आपने भी बताया कि जो आतंकी घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर पैनी नजर रखी जा रही है सुरक्षा बलों की ओर से, जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी छिपे होने की खबरें हैं? जी देखिए, अगर बात की जाए जम्मू खिते की, तो वहां पे सबसे अहम जो पीर पंचाल का इलाका आता है, जिसमें कश्तवाड़, राजौरी और डोडा जैसे इलाके आते हैं, जहां पे पिछले महीने में लगभग 7 एनकाउंटर्स वहां पे हुए थे, जिनमें फौज को भी तो नुकसान उठाना पड़ा और कुछ मिलिटेंट्स भी जानबाग किए गए हैं। हालांकि वहां पे कुछ जो श्रद्धालुओं की गाड़ी आई थी उसको भी टारगेट बनाया गया है, तो यही तवक्का की जाती है, यही अंदेशा किया जाता है कि सबसे पहले उन्हीं डोडा, कश्तवाड़ और यानी कि पीर पंचाल खिता जो है, चिनाब वैली का जो खिता है, वो
वो पहले सरकार की नजर में रहेगा। उसके बाद जो जम्मू का एरिया है, जम्मू का एरिया जिसमें सांबा, कुठवा और नगरोटा आता है, तो वहां पे भी ये अंदेशा किया जाता है कि वहां पे दूसरी नजर होगी। कश्मीर वैली में अगरचे ज्यादातर यहाँ पे अगर नॉर्थ कश्मीर का इलाका, वहां पे जो सरहदी इलाके मिलते हैं और जो कुपवारा है, कुपवारा, बारामुल्ला, बांडीपुरा और उड़ी सेक्टर शामिल है, जहाँ पे अक्सर बेशतर वहाँ पे तरंदाजी सबसे ज्यादा होती रहती है। बिल्कुल, इस बार देखना होगा कि आने वाले समय में और कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं ताकि आतंकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और जो इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं आतंकी गतिविधियों से संबंधित वो और ना देखने को मिले। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।